जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम लेकर के आए हैं फनी वीडियो, है ना। आपको मध्य प्रदेश के लोक नृत्य याद करवाएंगे। आपके जो लोक नृत्य जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य होते हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एमपी टेट में, एमपीपीएससी, है ना, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपीएसआई पुलिस एग्जाम, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निरंतर हमारी ट्रिकी वीडियो की सीरीज चल रही है और ये ट्रिकी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाकर आपको ऑल पर क्लिक जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज ये है अपना मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य जो जनजातियों के हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों, कर्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है। कर्मा, तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, आपको उत्तर बताना है। कर्मा से आपको नहीं लगता, कर्म कर्म है ना, और कर्म कैसे करनी चाहिए, अच्छे की बुरे, अब आपको ही बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, गुड, कैसे करना चाहिए, गुड यानी कि अच्छे। तो कर्मा नृत्य किससे संबंधित होगा, गुड से बनेगा आपका गौंड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कर्मा नृत्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है दोस्तों, और ये नृत्य गौंड जनजाति द्वारा, मूलतः ये नृत्य गौंड जनजाति द्वारा किया, वैसे तो बहुत सारी जनजातियों के द्वारा किया जाता है लेकिन मूलतः ये गौंड जनजाति का नृत्य है, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए है दोस्तों आपका कर्मा नृत्य, बहुत ही प्यारा नृत्य है और गौंड जनजाति का नृत्य है, तो इसको आप देखें, है ना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, परध्वनि नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। परध्वनि, अब आपको नहीं लग रहा परध्वनि से, ऐसा लग रहा हो जैसे करध्वनि, ऐसा ना। तो अब एक बात बताना कि आपकी अगर करध्वनि टूट गई है तो आप काय में रखोगे, काय में रखोगे, बोरी में रखोगे कि बैग में रखोगे। तो बिल्कुल सही आंसर बताया ना आपने कि बैग में। तो परध्वनि जो नृत्य है वो कौन से जनजाति से संबंधित है, बैगा जनजाति, और ये है दोस्तों करध्वनि, है ना, और इससे बना परध्वनि। परध्वनि बोला तो आपको लगा करध्वनि, और करध्वनि टूट गई तो हम रखेंगे बैग में। तो परध्वनि नृत्य किससे संबंधित होगा, बैगा जनजाति से, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। और ये है दोस्तों परध्वनि नृत्य, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैगा जनजातियों की जो है विवाह के समय ये गाया जाता है ना, परध्वनि नृत्य, तो इसको याद रखेंगे। अब आपको बताना दोस्तों, सैला नृत्य मूलतः किस जनजाति से। सैला, अब सैल से बना सैला, सैल से क्या बना, सैला, और सैल आपको क्या करना है, गुड़, क्या सैल करना है, गुड़ सैल करना है, तो गुड़ से कौन सा बनेगा, फिर से बन जाएगा दोस्तों आपको क्या, गौंड जनजाति। सैल करना है आपको गुड़, तो गुड़ से आपका गौंड, है ना, गौंड या गुड़, तो आपका अ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सैला नृत्य किससे संबंधित है, तो सैला से आप बोलेंगे सर सैल, और सैल करना है हमें गुड़, और गुड़ से गौंड, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आ नंबर का, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखें, ये सैला नृत्य है, बहुत ही प्यारा नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है, गौंड जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हुलकी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है। हुलकी, तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं, क्या हो जाएगा उत्तर आपका। अपन बोलते ना, गांव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ऐसा नृत्य तो, हुलका मुलका नृत्य तो हमारे मुरी मोरा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मुरी मोरा, हुलकी मुलकी नृत्य तो हमारे मुरी मोरा कर लेते हैं। तो हुलकी नृत्य किससे संबंधित होगा, कौन सी जनजाति से, तो आपका उत्तर होगा मुरिया, मुरी मोरा, हल्के फुलके नृत्य, हल्के फुलके, तो हुलकी, हल्के से हुलकी नृत्य मुरिया जनजाति से होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने गांव में देखा उल्की उल्की, हल्के फुलके नृत्य तो हमारे मुरी मुरा कर लेते, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो मुरिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका हुलकी नृत्य, है ना, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बहुत ही बढ़िया नृत्य माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा अटारी नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों। गांव में क्या होता है, एक मंजिल अगर मिट्टी का मकान बना लिया जाता है उसे ऊपर, तो वो कहलाता अटारी, और अटारी ये कहां बनी होती है, भूमि में कि आकाश में, अटारी कहां बनेगी, अटारी, बहुत सारे लोग गांव से होंगे उनको पता होगा अटारी,
और अटारी बनती है भूमि से, तो अटारी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित होगी? भूमिया। भूमिया यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना दोस्तों, ये है अटारी नृत्य, है ना, अटारी नृत्य आप देखें इसको, और ये भूमिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, कहरवा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? अब जब हम गौण जनजाति के जितने नृत्य हैं उनको हम गुड़ से रिलेट कर रहे हैं, तो अब रवा भी हम काय से निकालेंगे, रवा, कहरवा, तो रवा, रवा काय का मिलना है आपको, गुड़ का, काय का, रवा, गुड़ का, है ना, गुड़ का थोड़ा सा रवा दे दो, हम बोलते हैं थोड़ा सा रवा दे दो गुड़ का, तो कहरवा जो नृत्य है वो किससे संबंधित होगा? गौंड, है ना, तो याद रखें, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, कहरवा नृत्य गौंड जनजाति से संबंधित होगा। और ये है दोस्तों कहरवा नृत्य, देखें कितना प्यारा नृत्य है कहरवा, है ना, और ये गौंड जनजाति से संबंधित है, ये चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, भगोरिया नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो सभी जनजातियों ने, जातियों ने, सभी ने सहयोग किया, वैसे ही भील जनजाति, भील जनजाति ने भी किया, कहा था कि यहाँ से भगो, किससे बोला था? भगो, अंग्रेज भगो, तो भगो से भगोरिया, और किसने बोला था? भील जनजाति, है ना, तो भगोरिया नृत्य किससे संबंधित होगा? भील जनजाति से संबंधित होगा, और भा से भगोरिया भी आया और भा से आपका भील भी आया, तो ऐसा पूछा जाता है, भगोरिया नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, और ये है दोस्तों आपका भगोरिया नृत्य, है ना, ये भील जनजाति के लोग करते हैं, बहुत ही बढ़िया नृत्य है, है ना। अगला बताना दोस्तों, सुगा और डांडरिया नृत्य, सुगा और डांडरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब एक चीज बताना दोस्तों, सुगा तोता को बोला जाता ना, सुगा, है ना, हम बोलते हैं सुगा सा पढ़ाते हैं यार, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, तो सुगा को डंडे से मारा, सुगा को डंडे से मारा और काय में रख लिया, बैग में रख लिया, तो सुगा और डांडरिया नृत्य किससे संबंधित होगा? बैगा जनजाति से, सुगा को डंडे से मारा और बैग में रख लिया, तो बैगा जनजाति से संबंधित है सुगा नृत्य और डांडरिया नृत्य, ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना, आप नहीं मानना सुगा को, लेकिन यहां से हम याद कर रहे हैं कि सुगा को डंडिया से मारा और बैग में रख लिया, ठीक है, इस प्रकार से ये है दोस्तों आपका डांडरिया नृत्य, सुगा नृत्य, सुगा नृत्य, ठीक है, इस प्रकार से लकड़ी के इन्होंने सुगा बनाए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये नृत्य बहुत ही सुंदर नृत्य है दोस्तों, सुगा नृत्य, ठीक है, तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ये प्लास्टिक के बैग भी यहाँ पड़े हैं, बैग में रख लिए, तो इस प्रकार से देख लेना। कोल दहकी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर दिया है कोल, तो ये कोल दहकी जो नृत्य है ये किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? कोल जनजाति से, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, है ना, ये दोस्तों कोल जनजाति का जो नृत्य है, कोदहकी नृत्य, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। आगे देखते हैं, खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित है? खम्ब, अब खम्ब से आया दोस्तों खम्बा, है ना, अब खम्बा आया तो ये खम्बा है आपका, आप खम्बा पर कैसे चढ़ोगे, कैसे चढ़ोगे खम्बा पर? कोर पकड़ पकड़कर, एक कोर और इस कोर को, कोर को पकड़ पकड़कर काय पर चढ़ेंगे? खम्बा पर, तो खम्बा पर चढ़ना है तो कोर को पकड़ पकड़कर चढ़ना होगा, तो खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित होगा? कोरकू, कौन सी? कोरकू जनजाति से। अब यहां से लिया आया खम्ब और यह है खम्ब, और खम्ब को चढ़ना है खम्ब पर, तो कोर को पकड़ पकड़ के चढ़ना होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से कोरकू आपका बिल्कुल सही होगा, और यह है दोस्तों खम्ब स्वांग, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है इस प्रकार से। अगला देखते हैं, भीमा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भीमा, अब इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भीमा जो नृत्य है ये किस जनजाति से होगा? भीमा जनजाति से, यानी कि जो बा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, भीमा नृत्य भीमा जनजाति से, ठीक है, और ये है दोस्तों आपका भीमा नृत्य, देखो कितना बढ़िया नृत्य है, आपको तो तस्वीर देखने में ही आनंद आ गया होगा, ये भीमा नृत्य है, ठीक है, भीमा जनजाति का। अगला देखते हैं दोस्तों, बिमला नृत्य किससे संबंधित है? अब थोड़े से शब्दों को हमें जोर देना है, बी मिला, क्या मिला, अगर इसको हम बोलें बो मिला, क्या मिला, बैग मिला, बो मिला, क्या मिला,
बैग मिला, तो बिमला है ना, बिमला को बैग मिला, इस प्रकार से कर देंगी, बिमला को बैग मिला, तो बिमला नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित होगा, बिमला को बैग मिला, ठीक है। तो याद रखें ये किससे संबंधित है, बिमला नृत्य बैगा जनजाति से, ठीक है, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। और दोस्तों ये है आपका बैगा नृत्य, इस प्रकार से बैगा नृत्य होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बरेदी नृत्य किस से संबंधित है, बरेदी नृत्य बताना है आपको, बिमला नृत्य है वो पिछली बार जो हमने देखा, बरेदी नृत्य बताना है आपको। पता होगा दोस्तों कि जो गाय चराते हैं गाय, उन्हें कहा जाता है बरेदी, और बरेदी जो नृत्य होता है ये किससे संबंधित होगा, जो गाय चराते हैं उन्हें ग्वाल कहा जाता है, और बरेदी जो नृत्य होगा वो काय से संबंधित होगा, ग्वालों से और गुर्जर से, ग्वालों और गुर्जर से संबंधित है दोस्तों बरेदी नृत्य, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये है दोस्तों बरेदी नृत्य, बहुत ही प्रसिद्ध बरेदी नृत्य माना जाता, तबीयत खुश हो जाएगी अगर आप एक बार देखेंगे तो, है ना। और ये ग्वालों और गुर्जर जनजाति गुर्जर से संबंधित होता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला आपसे पूछा जाता है सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, अब 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। सैताम, सैताम से आपको नहीं लग रहा कि सर बोल रहे सैतान, हम बोलते ना गांव में कि आपका लड़का भारी सैतान है, आपका लड़का भारी सैतान है, तो सैतान भारी, भारी सैतान, तो भारी से होगा आपका भारिया और सैतान से होगा सैताम, तो सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित होगा, भारिया जनजाति से संबंधित होगा, ठीक है। सैताम से सैतान, सैतान भारी है, सैतान भारी है, तो सैताम नृत्य भारिया जनजाति, ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। और यह है दोस्तों आपका सैताम नृत्य भारिया जनजाति का, ठीक है, इसको देखें। और अगला क्वेश्चन हमें बताना है लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सहरिया जनजाति, यानी कि 2 नंबर, ये याद रख लेना। लहंगी, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है ना, सहरिया, बंजारा और कंजर ये जनजातियों का नृत्य है ना, कौन सा, लहंगी नृत्य है ना, सहरिया, बंजारा और कंजरी, ये देखो लहंगा पर है, लहंगी है ना, इस प्रकार से पहने हैं, और ये बंजारा और आपकी सहरिया जनजाति से संबंधित है, बहुत ही प्यारा नृत्य माना जाता है दोस्तों लहंगी नृत्य, है ना, याद रख लेना इसको, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, और आपको पेज से भी जुड़ना है, टेलीग्राम जो पेज है अपना, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम में सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, फेसबुक में भी सुमित जैन है ना, टेलीग्राम में तो मैंने आपको बताया IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।